इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली प्रीवियस टॉपिक्स आई एंटर ऑल द नोटेशंस एंड फॉर्मूला. इन दिस चैप्टर्स वी विल स्टार्ट द चैप्टर. एक्चुअली दिस इज द एक्चुअली स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. सो यू मस्ट वॉच फुल वीडियो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. Electricity, what does it means actually? What is electricity? How much is useful for us? Or you can say it is the conventional parts of our life. Electricity के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है आज के समय. अभी थोड़े देर के लिए जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी के ही कारण संभव हो पा रही है. साउंड में एनर्जी को कन्वर्ट कर पा रही है. मोबाइल आप चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है. ये सारी बातें इलेक्ट्रिसिटी को डिटरमाइन करती है. एक्चुअली क्या है इसमें, क्या फ्लो करती है किसी वायर के अंदर, किसी इलेक्ट्रिक वायर के अंदर आखिर क्या फ्लो करती है जो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करती है. व्हाट इज द फ्लो, आज उसी चीज का चर्चा करेंगे जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे. तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हम लोग दो मुख्य डिफरेंट डिफरेंट पार्टों में पढ़ते हैं. एक पार्ट जो होती है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हिस्सा होता है जिसमें करंट जो है स्टैटिक्स कंडीशन में है. और ये जो करंट है मोशन में है. जब करंट मोशन में है जो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करती है उसे एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं सिंपल शब्दों. या आप कह सकते द फ्लो ऑफ चार्ज. कई जगह लिखा रहता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. कई जगह आप ये भी लिख सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ये चार्ज एक्चुअली क्या ना, बेसिकली जनरली हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ही फ्लो कराते हैं. निगेटिव चार्ज को ही फ्लो करती है. ऐसा बात नहीं है कि इसमें पॉजिटिव नहीं, जैसे कि कुछ सेमीकंडक्टर्स वगैरह होते हैं जिसमें पॉजिटिव प्रोटॉन भी फ्लो करती है. बट हमें सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम सीधी भाषाओं में कहें. जब किसी कंडक्टिंग वायर में बात ही हो रही जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेसिकली. हाँ ऐसा नहीं है, हम लोगों का शरीर में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है क्योंकि हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रॉन फॉर्म करती है. इसीलिए यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है. ऐसा वो हर चीज कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन के आयन की फ्री स्टेट में होने की संभावना होती है या फ्री इलेक्ट्रॉन में रहने की संभावना होती है. और जैसे हम लोग यहां पर जो फ्लो कराएंगे वो होगा वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना. तो अगर हम सिंपल भाषा में इसका अगर डेफिनेशंस लिखें कि फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या हो सकती है. ठीक है, यहां पे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कह सकते. सिंपल शब्दों में हम इसको इलेक्ट्रिसिटी कहते. फ्लो कराइए क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कराइए. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आई करंट है. इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते. डिनोशंस में हमने बताया था क्यू बाय टी, यही तो लिखे हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट चार्ज फ्लो कर रही है यानी क्यू बाय टी, कुछ सेकेंड में कुछ कूलम्ब फ्लो कर रही है चार्ज. यानी कि कूलम्ब पर सेकेंड, अगर यूनिट के हिसाब से देखें तो चार्ज जो है कूलम्ब पर सेकेंड के अकॉर्डिंगली फ्लो करती. यानी कि एक कूलम्ब की जब हम बात करते हैं, एक आवेश जब हम फ्लो कराने की बात करेंगे तो हम एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की चर्चा करते हैं जिसमें कूलम्ब पर सेकेंड लिखते हैं. लेकिन इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर. एम्पियर डिनोट करते हैं हम लोग ए से.
यह हमने पहले चर्चा कर लिया है। एमीटर कहते हैं, एमीटर से करंट को मेजरमेंट करेंगे, एम्पियर इसका एसआई यूनिट होती है। और कभी पूछा जाए व्हाट इज वन एम्पियर और डिफाइन वन एम्पियर, अगर डिफाइन वन एम्पियर अगर हम देखें तो ये क्या हो सकती है, वन एम्पियर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते। सीधी सी बात है कि अगर इफ वन कूलम चार्ज फ्लो इन वन सेकेंड, है ना, वन कूलम चार्ज फ्लो इन वन सेकेंड इज कॉल्ड वन एम्पियर करंट फ्लो इन द सर्किट। वन एम्पियर करंट फ्लो इन द सर्किट, दिस इज वेरी सिंपल। और वन एम्पियर यू कैन राइट डायरेक्टली और फ्लो इन सर्किट, या सर्किट तक हमें जाने की जरूरत नहीं, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को जाएंगे तब हम लोग लिखेंगे, इज कॉल्ड वन एम्पियर, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम इस करेंट को पहले मेजरमेंट डिवाइस देखेंगे, फिर हम इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेक करेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करेंगे। ठीक है, आप जैसे कि जान रहे हैं, थोड़ा सा हमें कंडक्टर और इंसुलेटर को भी समझना चाहिए, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, क्योंकि ये सारे चीज जो है हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है कंडक्टर क्या है इंसुलेटर, क्योंकि जब कभी हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराएंगे तो 100% कंडक्टिंग अमाउंट कंडक्टर्स ही होंगे। बेसिकली अगर हम दोनों को डिफरेंस को अगर समराइज्ड करें तो हम पाएंगे कंडक्टर में जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ताकि आसानी से चार्ज फ्लो कर सके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल देखिए कि जैसे ये वायर है, मेटालिक वायर है, ये वायर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये काफ़ी क्लोज होते हैं प्रोटॉन के, जिसके कारण जब कभी हम इसमें करंट का सप्लाई देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में फ्लो करने का काम शुरू कर देती, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी करती चार्ज को। एनी वन सपोज इन योर टीम, इवन यू आर डूइंग सम मैच, प्रिपेयरिंग फॉर प्लेइंग ए मैच, तो whoever is free you can give the ball, they will carry forward like this. If they are free then they can carry all free electron, but here no free electrons are present, no free electrons are present, due to this reason they cannot carry electron furthermore. Number two, here are the some materials like all metals, even some non-metals like graphite also, acid bases and salt solution, they all are conduct electricity, so they all are good conductor of electricity, even the all living things they also can carry the electron, ourselves, all a kinds of animal, but pure water is a insulator. Example, here you check why this kinds of free electron. See, one electron is here, proton is here, one electron is here. Guess they cannot carry the electron to this particle. Yeah, mila hi nahi iske aage le jane wala. Koi carrier nahi mila, messengers nahi mile. Ye electron pahunch hi nahi paya yahan tak. Bas jaise humne EMF ke supply diye, ye EMF jo hai wapas yahi se return ho gayi. Ye gaya hi nahi iske aage. जैसे वुड, ड्राई वुड, जैसे प्लास्टिक, जैसे रबर के, देखते होंगे ग्लव्स पहन के ऑल इलेक्ट्रिस, क्योंकि ये जितने अच्छे हैं हमारे लिए उतने ही डेंजर भी हैं इलेक्ट्रिसिटी। इफ सपोज एनी वन
without any information, if they touch the neck wire, they can get the severe burn, or it can be dead. They can be dead. मर सकते हैं, इतना ज़्यादा ही dangerous भी होता है, इसीलिए देखते हूँ रबर के दस्ताने पहन करके all electrician workout करती है. Dry wood, plastic, rubber, even pure water, या आप distilled water जिसको कहते हैं, वो में भी, शुद्ध पानी में भी आयन नहीं प्रेजेंट है ना, तो इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन, नींबू के रस में आयन है, खट्टा आयन है, इलेक्ट्रॉन फ्री है, हाइड्रोजन आइटम कैरी करता है, यहां सारी चीजें की संभावनाएं नहीं होती है. दो टॉपिक से हम ये जानेंगे कि यहां पर हम जितने करेंगे, ये जो है हम लेंगे ऑल मेटालिक वायर. जहां तक हम जानते हैं कि सिल्वर जो है गुड कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी है, याद रखिएगा, ये दूसरी बातें हैं, ठीक है, टॉपिक अनदर टॉपिक है, इसको इसके साथ कंबाइन नहीं कीजिएगा. सिल्वर इज ए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लीड इज अ लीस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे कंडक्टिंग बोथ, याद रखना है आपको कि सिल्वर जो होगा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, लीड जो होगा लीस्ट कंडक्टर होगा. यानी कि सिल्वर बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को कैरी करती है, और लीड जो है, इसीलिए बैटरी के अंदर लीड रहते हैं, लीड के आयन रहते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन को कंजर्व करके रखे. तो जब सप्लाई शुरू होगी, वो लीड से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगी. लेकिन जो सिल्वर है, इतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिंग होते हुए भी हम लोग जो वायर के रूप में इस्तेमाल करेंगे वो होगा एल्यूमिनियम एंड कॉपर. बिकॉज एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दिस आर टू मच चीप कॉस्ट, वेरी लेस कॉस्ट देन द सिल्वर. चांदी का रेट ज़्यादा होता है, इसका रेट कम होता है, इसीलिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे पास साइंस कम दामों में अच्छे कॉन्वियंट के साथ हमें मिल सकती है. हम अब ये चेक करेंगे कि ये आखिर जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही है किसी वायर में. जैसे कि ये है कोई वायर है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, और जो समय लगता है, जो टाइम ले रहा है, क्या कोई इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज, क्यू कहते हैं चार्ज को, डिनोशंस हम पहले वीडियो में भी लगाए हैं, फिर भी जहां कहीं टी से टाइम कहते हैं, तो क्या ये कूलम्ब क्यू ए से क्यू बी ऐसे यहां से यहां तक जाती है या नहीं जाती है? यानी क्या इस दोनों के बीच में फ्लो अप है या नहीं है? आखिर है तो हम किस चीज से मेजरमेंट करते हैं, इस चीज को अभी अभी बताएंगे. पॉज करो. तो ठीक है, हम लोग देखेंगे कि इसको मेजरमेंट करेंगे. ठीक है, मेजरिंग डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करेंट, क्या है वो मेजरिंग डिवाइस, किस मेजरमेंट करेंगे हम लोग कि ये ताकि फ्लो कर पाए. इलेक्ट्रॉन को जो नापेंगे, कैसे नापेंगे, ध्यान दीजिए, मेजरिंग डिवाइस. करंट इज मेजर बाय एमीटर. ठीक है, इट्स कैन बी मेजर बाय, कैन बी नॉ, इट्स मेजर बाय, बिकॉज दिस इज 100% श्योर, ओनली करेंट कैन मेजर बाय. हाँ, आ मीटर को डिनोट इससे करते हैं, आ मीटर. ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, ये इसका सिंबल है, लिखने का है, लिखने का सिंबल इस तरह से लिखते हैं हमको. दूसरा नंबर, इट्स ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, हम एक सीरीज भी बना के देखेंगे. इट्स ऑलवेज कनेक्ट इन
सीरीज। हम लोग इसको कभी भी कनेक्ट करेंगे, बड़ा ध्यान से एक चीज को समझिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रही है जब तक कि हमें उसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। यानी ये तो आपको समझ में आ रही होगी कि कोई वायर में भी है इलेक्ट्रॉन, जैसे आप खरीदते होंगे चार्जर, वहां लिखा होगा 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर जल्दी चार्ज करता होगा ना, 2 एम्पियर करंट ज्यादा शायद पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, इसके लिए वो जल्दी चार्ज करती है। सारे चीजों आप धीरे धीरे करके हमारे साथ लेसन में पूरे सिस्टम से चलते जाइए, हर दिन एक वीडियो आपको इसका मिल जाएगा, 8 से 10 वीडियो बनाएंगे, वो छोटे छोटे आप इसको नोट्स भी इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो जो हम पढ़ा रहे समझा रहे। ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। सीरीज कैसा है देखिए, ये देखिए कि अगर एक अच्छा आप सर्किट बनाते हैं, सर्किट डायग्राम, तो हम पहले देखिए एक अगर बैटरी लेते हैं, आपको कुछ सिंबल जो है कॉमन सिंबल सब आना चाहिए, जैसे कि ये वाला अगर देखते हैं सिंबल, ये है सेल का सिंबल, हम सेल की जगह यहाँ बैटरी लगाएंगे ना, तो कुछ इस तरह से बहुत सारे ग्रुपिंग्स को करेंगे, ठीक है, ये इस तरह से लगाएंगे, मतलब ज़्यादा सेल लगाएंगे, ज़्यादा कनेक्टिविटी करेंगे, ठीक है। हम देखिए यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एक निगेटिव ले, निगेटिव से फिर एक पॉजिटिव जोड़ दीजिए, फिर एक निगेटिव ले लीजिए, ठीक है, और फिर एक पॉजिटिव, फिर एक निगेटिव, इस तरह से आप जितने चाहिए उतने सेल लगा सकते हैं, लेकिन एक तरफ छोटे वाले लाइन की तरफ, छोटे वाला जहाँ पे लाइन हो वहाँ पर निगेटिव, जहाँ बड़ी लाइन हो वहाँ पॉजिटिव, इस तरह से टर्मिनल को दिखाइए ईएमएफ के। और ये देखिए ये लाइन सीधी है, हम यहाँ पे आमीटर को कनेक्ट कर लेते हैं, ये यही मेन लाइन है, सीरीज इसी को कहते हैं, यहाँ आमीटर हम लगा लेंगे, डायरेक्शन करंट का हाइयर से लोअर की ओर, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, बट इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, जरा ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव निगेटिव एकदम इसके सामने पॉजिटिव, इसके आगे निगेटिव। फिर हम एक चाहिए तो कुछ एक रेसिस्टेंस भी लगा लेते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस का हम लोग जिक्र करेंगे आपको रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में। फिर हम एक अच्छे प्रकार से एक बल्ब को जोड़ लेते हैं, ये बल्ब है, ये बल्ब हम इसको नाम दिए हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर एक हम स्विच लगा लिए, एक ये डिसेंड बना, स्विच के भी थोड़ा कुछ नियम कानून कुछ इस तरह से ही बनाते हैं, कुछ स्विच को ये अगर मेन लाइन में अगर ऐसे दिखे वायर, ठीक है, तो ये जो है ओपन स्विच कहते हैं इसको, ये स्विच ओपन है, और जब कभी ये स्विच ये दो टर्मिनल गोल गोल जैसा दिखे तो ये समझ लीजिएगा क्लोज स्विच, या ओपन सर्किट क्लोज सर्किट, ये ओपन हो जाएगी ये क्लोज हो जाएगी, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे फ्लो हो रही है, देख रहे हैं भी यहां से निकलती है और पोटेंशियल यहां आकर के जीरो हो जाती है, यही इसके डायरेक्शन है, एंड इट्स ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज एंड इट हैज वेरी वेरी लो रेसिस्टेंस। कहां होता है लो रेसिस्टेंस, मेजर इन आमीटर, इट ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज एंड इट हैज वेरी लेस रेसिस्टेंस। ड्यू टू दिस रीजन वी कैन नॉट कनेक्ट इन टू पैरेलल, पैरेलल में वोल्टेज बढ़ेगा, फ्लिक कर जाएगी, काटा सो नहीं करेगा, करंट के डायरेक्शन को नहीं दिखाएगा, और रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी के चर्चे हम लोग ओम्स लॉ में करेंगे, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी के बारे में ओम्स लॉ में हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। एक और थोड़ी सी बातें हैं, हम लोग जरा ये करंट के डायरेक्शन को समझ लेते हैं ताकि पोटेंशियल डिफरेंस को समझने में भी आसानी हो। तो छोटी चीजें हैं, जैसे कि देखिए, जैसे अगर हम चार्ज कहें तो चार्ज बेसिकली दो तरह के होते हैं, चार्ज जहां जहां लगेगी आपको चार्ज, एक तो चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज,
ऐसा कहा जाता है कि ये प्रोटॉन का फ्लो होता है, इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वैल्यू वही है। अगर देखेंगे तो -1.6 इंटू 10^-19, बट ये चूंकि प्रोटॉन प्लस में है इसीलिए यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, इतने कूलम्ब इसमें फ्लो करती है। एक प्रोटॉन का चार्ज 8.6 इंटू 10^-19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होती है, इसको कहते हैं निगेटिव चार्ज या निगेटिव आयन भी आप लोग पढ़ते हैं। ई निगेटिव लिखते हैं क्योंकि ये माइनस चार्ज है, इसीलिए 1.6 इंटू 10^-19 कूलम लिखते हैं। मास अगर देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो है 9.1 इंटू 10^-31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का मास है और ये है प्रोटॉन का मास, ये है तकरीबन 1.6 इंटू 10^-27 किलोग्राम। ये है प्रोटॉन के मास, ये है इलेक्ट्रॉन के मास। प्रोटॉन के मास इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है, लगभग 1/1840 टाइम्स ज्यादा होता है। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, 1/1840 टाइम्स ज्यादा होते हैं प्रोटॉन के। यानी अगर कहिए एक अगर प्रोटॉन है तो इसका 1840वां हिस्सा ये कम है। ठीक है, तो ये है इसके वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को। जरा हम सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को जरा सा चेक करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें, पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव। तो जरा सा दोनों टर्मिनल को समझिए। अगर आप गेस करिए कि ये एक कोई चार्ज बॉडी है, ये प्रोटॉन है प्लस प्लस, पॉजिटिव बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक निगेटिव बॉडी है, ठीक है, ये है कोई निगेटिव बॉडी माइनस माइनस, इसके निगेटिव चार्ज हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब जब फ्लो करती है, हम अगर कनेक्टिविटी प्लस से माइनस करें तो प्लस जो है जनरली हाइयर पोटेंशियल कहते हैं, हाइयर पोटेंशियल, और निगेटिव को लोअर पोटेंशियल कहते हैं। तो गौर से देखिए, कहीं जो लिखा रहता है इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। प्रोटॉन अंदर प्रेशर जनरेट करती है जैसा नहीं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव करती है। इलेक्ट्रॉन खाली होता है किसी चार्ज बॉडी से, चार्ज वे फ्रिक्शन, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट यहां पर अगर हम देखें कि इधर से अगर चार्ज मूव करती है तो हम लोग इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि हमने पढ़ा भी है इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज को कहते हैं, अभी अभी आपने सीखा, जब इससे इधर की ओर फ्लो करे तो ये हुआ डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी कई लोग स्टूडेंट समझता है कि आपको कि ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो है इलेक्ट्रिक करंट, या आप इसको कह सकते हैं कि निगेटिव। देखिए पहले हम लिख लेंगे पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, इसका मतलब होता है हाइयर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब शक्ति सामर्थ्यता। अक्सर आप लोग लड़ाई झगड़े में बात में कहते हैं इसका पोटेंशियल है हमसे क्या लड़ेगा, शक्ति। तो कभी भी जो शक्ति होती है ना, ताकतवर व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को खींच लेती है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, इसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। जब कन्वेंशनल करंट कभी पूछे जाए आपको तो आप कहें कि
that positive terminal to negative terminal or higher potential to lower potential, it's called the conventional current. इसका भी एक बहुत बड़ा कहानी है कि जब इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाद में समझा गया था, बहुत पहले मशीनरीज वगैरह बन गए थे बेसिकली, तो जो उसके सारे रीडिंग वगैरह थे, आउटपुट वगैरह थे, वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल को रख करके बनाया गया था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आया तो जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे कि ये अगर मार्कर है देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, लेकिन जब इसमें रब किया गया तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर गए और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया इसने, क्योंकि यहाँ पे बच गए थे प्लस चार्ज खाली, तो निगेटिव पूरा, फिर थोड़े देर के बाद कंजर्वेशन हो गया तो इलेक्ट्रॉन नीचे फॉल कर गई थी। तो जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति आई तो इलेक्ट्रॉन का जब स्टडी और सारे किए गए, जैसे कि जे जे थॉम्सन्स वगैरह थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा गया, तो मालूम चला कि एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ओर दौड़ लगाती, यानी निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव की ओर मूव करती। लेकिन तब तक हम लोग पढ़ रहे थे कन्वेंशनल करेंट, वो था पॉजिटिव से हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। आपको ये भी याद ही रखना, हाइयर से लोअर, ऊंचाई से नीचाई, ऊंचाई से नीचे, भले आप नीचे मोटर लगा के ऊपर पानी फेंक दें दैट इज डिफरेंट, बट मूवमेंट ऑलवेज फ्रॉम हाइयर टू लोअर। बट सेकेंड केस में देखते, इसको आप कहिए करना, बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव, क्योंकि क्या होता है ना, निगेटिव टर्मिनल, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट, अब हम यहाँ लिख देते हैं, हाँ इलेक्ट्रिक करंट, इधर से इधर इलेक्ट्रिक करंट, इधर से इधर कन्वेंशनल करंट। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंडिंग द बोथ द टॉपिक। Now you have to check out the electric potential.